म्याओ म्याओ, तुम कहाँ चले गए थे? आज सुबह से नहीं दिख रहे हो। हाँ, ये शिकार पे निकलता है बीच पे ना। और यहाँ देखिए, कपड़ा वगैरह सारा निकाला हुआ है, और यहाँ देखिए सारा बाल्टी ऐसे रखा हुआ है क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश आ रहा था। और बारिश आने के टाइम क्या करते हैं ना मम्मी, मम्मी ये जितने भी अपन 3 से पानी गिरता है पूरा बाल्टी यहाँ पे बिछा के रख देती है ताकि बारिश का पानी वेस्ट ना हो। और बारिश का पानी बहुत सारे काम में आ भी जाता है, तो आप लोग भी ऐसे बारिश का पानी रखते हो क्या? आप लोग मेरे को बताना। पंखा भी एकदम तेज तेज घूम रहा है, पंखा को करते बंद। सुबह का टाइम दिखाओ तो 12:30 तो सुबह नहीं हो रहा है अभी। तो देखते ही देखते सुबह जाके कब दोपहर हुआ पता भी नहीं चला, 12:30 हो चुके हैं। और सुबह उठ के सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह कंप्लीट किया, खाना वाना खाया, फ्रेश हो गया, उसके बाद अभी घर से निकलने के लिए रेडी है। तो हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? आशा करते हो सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। और आज हम निकल के जा रहे हैं अभी थोड़ा सा काम करने के लिए, मतलब जो गाड़ी अंकुर का लेके आए थे हम लोग, उस गाड़ी में लगाना है हेडलाइट, क्योंकि कल जाने का प्लान है एक ट्रिप पे। कहाँ के लिए निकल गए आपको बताएंगे। तो घर से हम लोग मम्मी भाभी सब लोग जाएंगे एक साथ निकल के, कहाँ जाएंगे आपको बाद में बताएंगे। पहले गाड़ी का जो काम कराना है वो काम करा के लाता है, और आज बाइक हम ले आएंगे अपने घर पे, क्योंकि आज मौसम भी बहुत सही हो गया, बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं है और ना ही काले बादल है। ये है कुछ सामान जो भाभी ने मेरे को दिया है। तो ये सामान है भाभी का कुछ ज्वेलरी का सामान है, तो ये थोड़ा सा काम है इसका कराने के लिए, इसलिए मेरे को भाभी ने दे दिया। भाभी को मैंने एक्चुअली बोला कि जो है मेरे को दे दो, मैं करा के लाता हूँ, क्योंकि भैया के पास टाइम होता नहीं है, वो सुबह जाता है शाम को आता है। चलो निकलते हैं अभी। तो चलो हम घर से निकल गए अभी, और मौसम देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सूरज देवता अपना पूरा कहर बरसाने वाला है, मतलब तगड़ा धूप होने वाला है। लेकिन एक हिसाब से सही भी है, इतना दिन बारिश हुआ, हर जगह पानी भर चुका है, तो धूप होगा तो एटलीस्ट थोड़ा पानी वगैरह सूखेगा। चलो पहले निकलते हैं अपना गाड़ी और उसके बाद चलते। ओ भाई साहब, इतना गर्मी, इतना धूप। एक्चुअली क्या है, धूप में पूरा खड़ा होकर रखा है गाड़ी, और सुबह से आज गंदा धूप आ रहा है, पूरा गर्मी गर्मी, इसलिए अंदर से गाड़ी पूरा गर्म हो गया। तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के रखते हैं, पहले गर्मी निकलेगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो चलो गाड़ी थोड़ा सा ठंडा हो गया और हम लोग भी निकल गए। तो घर से तो निकल गया मैं, और जो पहला काम है, पहला काम यह है कि भाभी ने जो काम किया था वो काम मुझे करना है पहले, क्योंकि दिन भर के भागदौड़ में अगर ये वाला काम रुक जाए तो फिर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले ये वाला काम करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। भाई गाड़ी आ रही है, चलो थोड़ा सा रास्ता खाली हुआ है, हम लोग पहले अपना काम करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ओ भाई साहब, ये देखो, ये हो गया धोखा हमारे साथ। जिस काम के लिए आए थे वो काम करेंगे कैसे, दुकान ही बंद है। तो दिन का जो पहला काम था उसी में धोखा मिल गया, अब देखते हैं बाकी काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, कभी कभी होता रहता है ऐसा। भाई साहब चलो, आके हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जा रहा हूँ मैं सीधा अंकुर को लेने के लिए। तो एक्चुअली बात यह है कि अंकुर का गाड़ी आई है, और अंकुर मेरे को भी बहुत दिनों से बोल रहा था कि यहाँ पे हेडलाइट वगैरह गाड़ी का चेंज करना है। तो मैंने बोला कि आज चलो चेंज करके आता है, क्योंकि मुझे भी एक गाड़ी लेके कल जाना है फैमिली के साथ, आपको मैंने जैसे बोला वीडियो के स्टार्टिंग में। तो फिर आज निकल के जाएंगे दोनों भाई अपना गाड़ी का हेडलाइट वगैरह और जो जो छोटा मोटा काम है वो सारा कुछ चेंज करके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जाते हैं अंकुर को लेने के लिए, अंकुर को लेके आते हैं। चलो तो आके पहुंच भी गया मैं, अंकुर अभी तक नहीं आया, चलो उसको कॉल करते पहले। तो यहाँ देखो अंकुर आके पहुंच चुका है। ये क्या ले आया साथ में? दही। तो दही खाते खाते आ रहे थे इसलिए लेट हो गया ना। वैसे दही देख के मेरा भी थोड़ा जीप लपलपा जाता है, तो टेस्ट तो करना बनता है। मीठा दही है, इतना ठंडा मजा आ गया। चलो भाई वेलकम हो चुका है हम लोग का गुवाहाटी के ट्रैफिक जाम पे। लेकिन शुक्र ये है कि आज आपका बारिश नहीं है, क्योंकि बारिश के टाइम जो ट्रैफिक जाम लगता है ना वो रुका रहता है, वो हिलता ही नहीं है, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ऐसे रुका रहता है और आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन आज बारिश नहीं है तो इतना हैवी ट्रैफिक जाम नहीं है, मतलब तो ऐसे चलता हुआ रनिंग ट्रैफिक जाम है, तो दिक्कत नहीं है, हम लोग निकल जाएंगे आराम से। भाई अंकुर एक चीज बोलो मेरे को, ये इतना पीटी क्यों है? कल मैंने तेल भराया, आज अभी तक नहीं भराया वैसे, लेकिन पहले भी तेल था है ना, लेकिन ये इतना पीती है, बार बार रिजर्व में लगा रहता है, मतलब रिजर्व में साला तो वो बहुत डालना पड़ता है। बहुत डालना पड़ता है क्या? कल मैंने बहुत डाला था वैसे, कल पूरा मैंने 150 रुपए का डाला, आज 180 का डाल देंगे, ठीक है? चलेगा एकदम। चलो आज 180 दो धंधे आएगा। बढ़िया। चलो भाई पहुंच गए हम लोग पेट्रोल पंप। भैया 180 का तो पेट्रोल हमने डाल लिया है, और मीटर पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना भाई, देखते हैं। भाई साहब फुल फुल दिखा रहे, देखो आए धोखा। ये क्या चक्कर है? पास तो बेसिक हो गया, आ गया 85 हो गया, और देखो 85 आ गया रेंज, मस्त। देख रहे हो खर्चा, मैंने सोचा था कि 180 डालेंगे, साला हाफ टैंकी तो होगा करीबन 500 किलोमीटर जाएंगे।
सिर्फ इतिहास दिखा रहा है, कोई बात नहीं हो जाएगा इतने से। तो लो भाई हम लोग आके पहुंच चुके हैं और कार मॉडिफिकेशन मतलब वो अंडर कार। और यहाँ देखो हमको कौन दिख गया, यहाँ है राहुल भैया, मतलब जिनसे मिलने आए हम लोग वो बाहर ही है। राहुल भैया कैसे हो? बढ़िया। क्या पी रहे हो आप? छत्तू। चलो हम भी पीते हैं। दूर से मैं दुकान की तरफ देख देख के आ रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया, क्योंकि गुवाहाटी में ना एकदम अलग ही हो गया है। तो यहाँ पे रास्ता फ्लाईओवर ऐसे डेवलप हुआ है कि पहचानना मुश्किल है। तो फिर मैं दूर से देख देख के आ रहा था, राहुल भैया को देखा ही नहीं था। कौन भैया, बहुत दिनों के बाद मिला आपसे। हाँ बात तो सही है, वैसे जगह बहुत चेंज हो गया ना, माय गॉड अलग ही हो गया, बहुत अलग। भाई साहब एकदम मस्त बन गया। छत्तू है ना ये भैया? हाँ छत्तू है। हाँ बढ़िया है, थैंक यू भैया। चलो राहुल भैया चीयर्स। राहुल भैया का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर भी वाह। छत्तू किसका किसका फेवरेट है बिल्कुल बोलेगा आप लोग? मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत पीता हूँ मैं। चलो हम लोग आगे पहुंच चुके हैं वंडर्स कार और यहाँ पे अभी सामान वगैरह देखते, पहले सिलेक्ट करते क्या क्या लगाना है, उसके बाद हम गाड़ी में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारा स्टॉक इनका निकलवा लिया है कि कौन सा लाइट अभी लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे देखते हैं, पहले एक बार सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। मतलब एक से बढ़कर एक है यहाँ पे, आपका फिलिप्स से लेकर ब्लू पंक से लेके ओजम से लेके ओसराम से लेकर, मतलब अच्छा हर एक ब्रांड अच्छा है। तो अभी काफी मुश्किल हो गया मेरे लिए कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा, तो मैंने इनको बोल दिया राहुल भैया को कि भाई कौन सा अच्छा है वो लगा दीजिए और फ्रॉस्टी एकदम तगड़ा कर दीजिए ताकि आंखें पूरा सौंदिया जाए। तो राहुल भैया ये फाइनल कर जाए, बढ़िया रहेगा। तो हमने एक्सलाइट का फाइनल कर लिया है जिसमें आपको एक साल का वारंटी मिल जाएगा मेरे को, और रोशनी ऐसा रोशनी जैसा बोला था मैंने वैसा ही एकदम, पहले लगाते हैं उसका रखो दिखाते हैं। चलो तो चलो अपना गाड़ी का काम भी शुरू हो चुका है। राहुल भैया जल्दी हो जाएगा ना, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट बहुत बढ़िया, 10 मिनट में आपका बल्ब सेंस, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो एक्चुअली गाड़ी का जो पहले रोशनी था बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अभी पावरफुल होना चाहिए। चलाओ अंकुर एक बार चलाओ। ओ भाई साहब तगड़ा खतरनाक वाला, हाई बीम मारो हाई बीम, मस्त बंद कर दो, आ जाओ हो गया भाई, खतरनाक वाला रोशनी है। चलो बिलिंग वगैरह ऑल डन, थैंक यू भैया, थैंक यू आते हैं। और आपने अपना बॉक्स वगैरह भी सारा स्टॉक लाइट जो लगा हुआ था वो ले लिया ताकि वारंटी का भी प्रॉब्लम ना, वारंटी कार्ड वगैरह सारा ले लिया। दीपक भैया थैंक यू, बाय बाय। तो हम लोग जाने के लिए रेडी थे लेकिन लगे हैं तो ये वाला लाइट भी हम लोग चेंज करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गेट खुला है ना इसलिए चल रहा है, ये भी बंद करना पड़ेगा। तो ये लाइट खराब हो गया था इसलिए रोशनी था ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये भी हम लोगों ने चेंज करा लिया अभी। तो यहाँ से हम लोग जाने के लिए रेडी। राहुल भाई और एक चीज मेरे को पूछना था, देखिए कोई कोई ऐसा भी होता है कि किसी को सामान ऑर्डर करना होता है जो आसपास नहीं होते गुवाहाटी के, तो सामान ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ हम लोग कुरियर कर देंगे। ओके, तो आप लोग अगर गुवाहाटी में विजिट करने में दिक्कत होता है आप लोग को, तो फिर अगर आप लोग को कुरियर में सामान चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी कार एक्सेसरीज हो कोई भी हो ना, ऑलमोस्ट जो इजी टू इंस्टॉल होगा ना ओके, तो हम लोग कुरियर कर देंगे और इंस्टॉलेशन में भी हेल्प कर देंगे आपका। बढ़िया, इंस्टॉलेशन में हेल्प हो जाएगा, कुरियर हो जाएगा आपके पास सामान, अगर आप लोग नजदीक रहे तो फिर आप विजिट करके आप लोग लगा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू भाई। देखो मैं आपको बोलता रहता हूँ ना कि यहाँ के वेदर के बारे में कुछ बता नहीं सकते हम आपको। आज सुबह इतना धूप आ रहा था, सुबह इतना बढ़िया वेदर हो रहा था, इतना बढ़िया धूप आ रहा था, लेकिन अभी का मौसम देखिए एक बार, तो आसमान में पूरा काले बादल आ चुके हैं और हल्का हल्का बारिश भी होने लग गया है। देखिए यहाँ पे पूरा बारिश का बूंद है और क्या होगा पता नहीं यार। आज हमने प्लानिंग किया था कि अपना बाइक निकालेंगे, नया बाइक जब से घर पे लाया है एक राइड भी नहीं किया उससे, आज अपना बाइक निकालेंगे थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे निकल जाएंगे अभी, लेकिन क्या करे भगवान, बारिश ऐसा सीज है ऐसा वेदर यहाँ पे, मतलब रह के तो बहुत मजा आता है, वेदर मस्त वेदर है, तो कभी कभी टेंशन हो जाता है कि बाइक नहीं चला पा रहे है। चलो कोई बात नहीं, अभी जो है जो ऊपर वाले ने दिया है उसी को एंजॉय करेंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो अभी के प्लान में ये चेंज है कि अभी मेरे को भैया का फोन आया और भैया के ऑफिस में जा रहा था अभी, क्योंकि भैया का एक दो सामान लाना है वहां से और सामान बाइक पे नहीं आ रहा, तो मेरे पास आज गाड़ी था तो भैया ने मेरे को फोन किया था कि सामान लेना है, तो मैंने बोला कि अभी आ रहा हूँ रुको, और उसके बाद भैया का फोन आया कि दोपहर हो चुका है भूख लग रहा है मेरे को, खाने के लिए कुछ लेके आना अगर आ रहे हो, तो मैंने बोला कि ठीक है लेके आते हैं। और हमको दूर से दिख गया था गुरखा, अच्छा गुरखा नहीं, गुरखा के बगल में दिखे ये आपका पाव भाजी लिखा हुआ यहाँ पे, तो हमको दिख गया था पाव भाजी, यहाँ से पाव भाजी पैक कराएंगे और यहाँ से ले चलेंगे। चलो भैया पाव भाजी हो जाएगा, चार प्लेट लगा दीजिए, चार प्लेट खाने के लिए नहीं पैक करा दीजिए, चारों प्लेट पैक करा दीजिए। तो एक साथ चारों प्लेट ही कर दिया, भैया और भैया के दोस्त के लिए और हम और अंकुर के लिए, तो आप ही बैठ के खाएंगे आराम से।
और वहाँ से हमने पाव भाजी ले लिया और यहाँ से हमने वेज फ्राइड राइस वेज रोल वगैरह ले लिया। तो टाइम देखिए लगभग 4 बजने वाला है, तो काफी टाइम भी हो चुका है और भैया को भी भूख लगा होगा, हमको भी हल्का फुल्का लग रहा है। तो मस्त यहाँ से पैक करा के लेके जाते हैं और वहाँ पे बैठ के आराम से पार्टी करेंगे। चलो लेट्स गो, ऑल डन। भाई साहब अभी बारिश आ रहा था, अभी धूप निकल गया, पता नहीं यार क्या होगा इस वेदर का। और यहाँ देखिए यहाँ बादल लग के ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है। तो चलो आके हम लोग पहुंच के भैया के ऑफिस, गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। कैसा है तेज, कैसा है भैया? बढ़िया, अच्छा है, मस्त। चलो हम भी टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसको, है ना। बढ़िया हाय भाई। हाँ तो चलो हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं और आराम से लंच वगैरह कर लिया भैया के साथ एक साथ बैठ के, और यहाँ से निकल के भी जाएंगे सीधा घर की ओर क्योंकि मौसम अभी बहुत सही हो गया है, मतलब बारिश आने का चांसेस अभी नहीं लग रहा है आसमान देख के। और सीधा जाएंगे अभी अपना घर पे और घर पे जाके निकालेंगे अपना बाइक और बाइक निकाल के जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए। चलो भाई साहब यहाँ देखिए बैक कैमरा में आसमान कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बैक कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है लेकिन आसमान का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो करीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग आगे पहुंच गए और 5:30 हो चुका है, कुछ देर बाद अंधेरा भी होने वाला है। और अंधेरा होने से पहले हम लोग घर चलते हैं, घर से अपना बाइक निकालते हैं और बाइक लेके निकलेंगे। अभी बारिश आएगा क्या अंकुर? चलो आके हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद मौसम थोड़ा सा ऐसे ऐसे धामाधुल होने लग गया है, लगता है क्या करे यार, दिन भर मौसम को देखते देखते दिन निकल जाता है, कभी धूप हो जाता है कभी बारिश हो जाता है और कभी ऐसा मौसम हो जाता है कि बारिश होने वाला है लेकिन नहीं हो रहा है, होने वाला है लेकिन नहीं हो रहा है, अभी वैसा वाला मौसम है। बाकी हमारा यहाँ पे देखिए बाइक एकदम साफ सुथरा, धोया है क्या बाइक? हमेशा धोता हूँ। हाँ उसके बाद बारिश आ जाता है उसके बाद ना, तो अंकुर ने धो के एकदम साफ करके रख दिया है लेकिन क्या करे इसको ना, जब से घर पे लाया है ना साफ रख ही नहीं पा रहे, जब भी साफ करते हर बारी गंदा हो जाता है, हर बारी बारिश आता है, लेकिन चलो यार क्या ही कर सकते हैं, गंदा होगा फिर से धोएंगे फिर से साफ करेंगे। तो मेरा हेलमेट यहीं पे रखा हुआ था, गोप्रो में साथ में लेके आ गया था, गोप्रो हेलमेट पे फिट कर दिया, अभी चलते हैं मोटो ब्लॉग करते हैं, लेट्स गो। 2 दिन बाद इसका कोल्ड स्टार्ट होने वाला है, आवाज थोड़ा सा निकलेगा शायद। तो चलो वार्म अप हो चुका है कंप्लीट और अभी अभी टाइम है हमारा वार्म अप करने का, बाइक का वार्म अप कंप्लीट है। बाइक में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था लोन आ चुका है। कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया, भाग क्या है बाइक का आवाज़ सुन के ना। चलो निकलते हैं अभी। धीरे से धीरे से, हल्का सा तो हल्का सा, कैसा है? बस 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 बढ़िया। भाई मेरा पाइप की धो दो यार, गंदा हो जाता है बार बार। नहीं 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 अभी धो के लाओ, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थोड़ा निकल के जा रहे हैं बस ऐसे ही घूमने के लिए। तो घर से निकलते अपने दोस्त से मिल गए थे, तो अभी निकल के जाके जो पहला काम है वो करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो सुबह काम था आप लोगों को याद होगा भाभी ने कुछ काम दिया था मेरे को, वो मैंने किया ही नहीं अभी तक क्योंकि दुकान बंद था उस समय, और अभी जाके वो पहला काम वो करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। भाई साहब रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हर जगह है क्योंकि रेगुलर कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, और क्या होता है बारिश के पानी तो सूख जाता है और उसके बाद रह जाता है रास्ते में मिट्टी, और वो मिट्टी एकदम उड़ता रहता है। चलो दूसरा उपाय जो है नहीं, मिट्टी खाना पड़ेगा, बाइक चलाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। आके हम लोग पहुँच गए, ओ तेरी ये शायद परमानेंटली बंद हो चुका है, इसी वाले दुकान आए थे हम लोग और ये दुकान सुबह भी बंद था अभी भी बंद है। टाइम हो रहा है आपका 6 बजने वाला है, अभी तक तो बंद नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या चक्कर है यार।
तो पहले बाइक लेके प्लानिंग किया था मैंने कि पहले भाभी का काम करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूमने चले जाएंगे, लेकिन प्लानिंग में हो चुका है सेंस, क्योंकि मौसम में हो चुका है सेंस। धीरे धीरे एक दो बूंद बारिश का गिर रहा है, और जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर बारिश आ जाए तगड़े वाला तो घर पे बाइक ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत परेशानी। तो मैंने सोचा कि घूमने घुमाना का प्लान कैंसिल, और दिक्कत होने से पहले हम लोग घर पहुँचते हैं। चलो भाई साहब, क्या क्रेकर है, ला 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 ला। यहाँ देखो रास्ते का हालत एकदम खराब है, मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा और बारिश हो जाए यहाँ पे ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जितना हालत अभी खराब है, इससे दुगना तीन गुना ज्यादा खराब होगा। धीरे धीरे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं। एक चीज तो मानना पड़ेगा, मतलब ये बाइक लेके जब भी निकलता हूँ मैं, तो जितने भी लोगों से मिलके जाता हूँ, जितने भी लोग इस बाइक को देखते हैं, सबके मुंह पे एक तो स्माइल आ जाता है। देखो बच्चा वीडियो कर रहा था, बढ़िया है। मतलब हमारी बाइक से हम तो खुश है ही, हमारे घर में तो खुशियाँ आया ही है, साथ में हर जगह खुशियाँ मिला रहा है, खुशियों का साबी। कहने के कहने के कहने के कहने के रे भाई, सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मेरे को रोक लिया। ठीक है, बढ़िया, हल्का सा तो हल्का सा, बस बढ़िया, बस भाई साहब, हल्का सा बस बढ़िया, परफेक्ट। चलो सब खुश है, मजा आ गया देख के, लेट्स गो। चलो हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और साथ में बारिश भी आ चुका है यार, जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। तो बारिश अभी तक नहीं आया, लेकिन ये पहले का किचर है, और चारों तरफ किचर ही किचर, बाइक थोड़ा सा गंदा ही हो गया। चलो जो भी हो, आके पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। टाइम हो रहा है पूरा छः बज रहे हैं, और 6 बजे यहाँ पे मौसम देखिए, मतलब आप ये वेदर देखिए एक बार, एकदम काला काला हो चुका है, मतलब अंधेरा हो चुका है। और ऐसे भी हमारे यहाँ पे 6:30 तक अंधेरा हो ही जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी हो रहा है मौसम की वजह से ना, और बारिश भी हो गया, लेकिन शुक्र है हम लोग घर पहुँच गए। क्या हुआ मैं भाई साहब, जैसे मैं घर पहुंचा, मैं को पता नहीं क्या हुआ मैं, क्या हुआ, मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मेरे पीछे आ रहा है, क्या हुआ मैं, क्या चाहिए मैं। तो मम्मी आई थी, मम्मी को कुछ बोल रही है, और नहीं तो मेरे को बोल रही है। मैं क्या हुआ, पापा डैडी बेटा, क्या फोन तू दिया, क्या देख रहे पापा। भाई साहब मैंने रील देखने दिया था, फोन ले लिया, इतना रील में मगन हो गए थे। और हम लोग का यहाँ पे कॉफी आ चुका है, और आज करोड़ों साल बाद कौन आया देखो घर पे, करोड़ों साल, हाँ करोड़ों साल, नहीं तो क्या, बहुत दिनों से नहीं थे, कैसे हो, परसों गया था। और आज घर में आने का रीजन यह है कि हम लोग निकल के जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं मामा के घर, एक्चुअली भाभी के मामा के घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मामा ने बुलाया था, बहुत दिनों से बुला रहा है, लेकिन हम लोग का टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने बोला था परसों कि हम परसों जाएंगे, परसों बोला था कि परसों जाएंगे, तो वो परसों वाला दिन आज है। और जैसे मैं घर आया था तब से इतना तगड़ा बारिश हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश रुक गया। इधर भैया भी आके पहुंच गए थे, और टाइम लिखे कि 9 बज रहे हैं अभी। और भाभी रेडी है, कहाँ है भाभी, रेडी है, वो कब कर, भाभी कहाँ हो, भाभी भी रेडी है। तो मम्मी ने बना के दिया अभी चाय, एक एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, एक्चुअली हम लोग ग्लास में पीते हैं, तो एक एक ग्लास चाय पीते हैं। चलो आ जाओ पापा आ जाओ। तो सब लोग, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी नहीं जा रही, मम्मी घर पे रहेगी, और बाकी हम सब लोग जाएंगे, हाँ मम्मी म्याओ के साथ रहेगी। आप भी चलो मम्मी, नहीं जाएंगे। अब बारिश का मौसम है ना, कपड़े वगैरह सुखा ही नहीं, मम्मी ने कपड़ा धो दिया था, तो सारा यहाँ पे सूखने के लिए रखा हुआ है। हमने मिट्टी लगा दिया, कहाँ, इधर, कहाँ है मिट्टी, दिखाई नहीं, इधर। चलो ऐसा ही होगा, मैंने ऐसे लिया था। हाँ एक्चुअली क्या है, बारिश का टाइम है ना, बारिश का मौसम है, म्याओ जो आता है घर के बाहर घूम के आता है, पूरा गंदा होके आता है, और जैसे अंदर आता है ना, अंदर आके सीधा गोदी में उछलता है, और हमारा कपड़ा गंदा खत्म। और क्या कर रहे हो पापा, ये क्या कर रहे हो, मेरा चप्पल, ये क्या कर रहे हो, गया तुम्हारा चप्पल, मेरा चप्पल। भाभी ने बोल के पहना है, बोल रहे पापा ना। पूरा देखो ट्रेन बना के जा रहे हैं, और एकदम लास्ट में मैं,
तो हम लोग का पहला प्लान यह था कि हम लोग स्कूटी बाइक लेके जाएंगे सब लोग। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर स्कूटी लेके जाएंगे अगर बाई चांस बारिश हो जाए तो फिर रुकना पड़ेगा, मतलब भीगना पड़ेगा। तो दोस्त का गाड़ी मांग लिया मैंने और अब सब लोग अभी गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। चलो, घर में एक गाड़ी होने से बहुत हैरान हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखते हैं अभी जल्दी आएगा, कब आएगा पता नहीं। तो एक्चुअली लोन का थोड़ा इशू चल रहा है, मेरे नाम पे लोन नहीं हो रहा एक्चुअली, और क्योंकि मैंने आज तक किसी भी सामान पे लोन लिया ही नहीं है और घर के किसी के बंदे पे लोन नहीं है। तो हमारे घर में आज तक जितना भी सामान है जैसे बाइक स्कूटी कुछ भी आया, लोन पे कुछ नहीं आया। तो इसके वजह से लोन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखते हैं अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जय राम जी की। तो गाड़ी निकालते हुए हम लोग पेट्रोल पंप पे ब्रेक मारना जरूरी है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है। पेट्रोल डलवाते हैं और यहाँ से निकलेंगे। अभी पेट्रोल कौन डलवाएगा आज? आगे कौन बैठा है? पापा आगे। चलो सही है, आगे जो बैठेगा वो पेट्रोल डालेगा, इसलिए हम पीछे है। सही है, पापा के इतने का पता नहीं, 2000 का। तो आपको याद होगा, आप लोगों को मैंने बोला था कि आज तगड़ा वाला बारिश आ रहा था और उसका नतीजा आपको दिखाता हूँ मैं। इस साइड देखिए पूरा पानी भर चुका है, खतरनाक वाला, और हम लोग इस साइड से जा रहे हैं और साथ में उस साइड का गाड़ी भी इस साइड से आ रहा है। यह भी पानी है, उस साइड तो तगड़ा है। मतलब गुवाहाटी में थोड़ा सा बारिश आया और गुवाहाटी में आपका गाड़ी छोड़ के नाव लेके निकलना पड़ेगा, ऐसा हालत है। तो चलो हम लोग आके पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दिया है। क्या हुआ, नहीं निकल पा रहे हो आप? चलो आ जाओ। पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो चुका है, 22:13। मतलब इतना लेट तो किसी के घर आते नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग रुके हुए थे, बारिश थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद हम लोग घर से निकले और अभी पहुंच गए। तो चलो खाना लग चुका है हम लोग का मस्त। तक मामा बाय बाय, बाय बाय मामी, बाय बाय, बाय बाय, उठा उठा उठा। चलो ऑल डन, यहाँ से भी हम लोग निकल रहे, खाना वीना खा लिया और बातें बातें करते करते इतना लेट हो गया था, मतलब वीडियो वगैरह कुछ नहीं किया, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, बातें बातें कर रहे थे हम लोग और अभी उनको बाय बाय बोल के भी निकल रहे। टाइम देखिए 00:80, मतलब आपका 12:10 होने वाला, 12:08 हो रहा है। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। आगे देखिए पूरा पटाखा फोड़ रहे, लगता है किसी का शादी है भाई लोग। चलो बारात आ गया, दूल्हा आ चुका है, खाना भी खा लिया। हाँ खाना भी खा लिया, इसलिए हमने भी खा लिया, नहीं तो यहाँ पे खा के चलते। ओ भाई साहब मस्त लग रहा है। ओ देखो बारात आ चुका है, बारात। भाई साहब ऐसा स्लिपरी रास्ता, एकदम खतरनाक हो रहा है और पापा भाभी भैया एकदम संभाल संभाल के जा रहे हैं और हम भी। चलो मैं एकदम पीछे पीछे आराम से जा रहा हूँ। और इस वीडियो को यही प्लान करते हैं कि ऐसा लगा बिल्कुल से बोलिएगा। आज दिन में बहुत ज़्यादा बढ़िया गया, हम लोग कल निकलने वाले, मम्मी भाभी पूजा और कौन कौन निकलेगा आपको कल ही बताएंगे। कल हम लोग निकलने वाले एक ट्रिप पे और गाड़ी लेके जाएंगे। आज गाड़ी में सारा मॉडिफिकेशन का काम भी हो गया है और बाइक भी हमने चला लिया आज। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगले एक वीडियो पे, इस वीडियो पे इतना ही। टिल देन बाय बाय, टाटा बाय बाय।